काफी अच्छा लगा। पुणे से आए हो लिटरली? या पुणे से मतलब 3 घंटा लगता है। आपके लिए कुछ भी मतलब पुणे से क्या। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड धूप भी निकल चुकी है, बहुत ही प्यारी धूप। एंड अभी जा रहा हूँ मैं शूट पे अपने। गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हाय बेबी, हाउ आर यू? अब क्या तुम लोग क्या शूटिंग भी देखने जाओगे क्या? चलो भैया। बट मेरे को डायरेक्टर का कॉल आया कि मतलब एक सीन है उसमें, तो एक सीन के लिए मैं उठ गया 6 बजे। तो मैंने बोला चल कोई नहीं यार, सो आई एम रेडी, चलते अभी डायरेक्ट। ओके भाई, गर्मी अंदर ही मजा आ रहा था। सुनील कश्यप भाई, ये हमारा मतलब फुल बोलते ना, मेकअप खराब ना हो तो ये हमारा ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच। ये क्या है, मलमल का कपड़ा जी? ये इस लाइक पसीना आए तो इसको सिर्फ टैप करना, टिश्यू पेपर से ना मेकअप निकल जाता है, लेकिन है ना। स्माइल तो देखो चेहरे पे, स्माइल। आए हाय। कॉफी चूफी चाय है क्या कुछ? ये क्या है, खाली है ये तो चाय? अरे यार चाय नहीं पीता मैं। कॉफी नहीं है क्या? कॉफी आ रही है, जल्दी मंगवा दो यार, थोड़ा सा नींद सी आ रही है मुझे। सबसे बड़ा स्कैम तो मेरे साथ हो गया है। यहाँ पर ना 3 वैनिटी वैनी थे, ये अभी जस्ट लगा है 30 सेकंड पहले, सबसे लास्ट में ये था। बट मेरा जब भी मैं इधर आता था ना तो सबसे लास्ट करके वैनिटी वैन में तब घुसता था, अभी मैं वहाँ पर एंड में पहुँच गया, पता ही नहीं चला कि ये कौन सा है मेरा। गन्ने का जूस गर्म अच्छा नहीं लगता, बर्फ डाल के दिया करो आप। सो गाइज, अभी बारी आ चुकी है एंड आफ्टर सो लॉन्ग, अभी बज रहे हैं 12 भी नहीं, 12:30 हो चुके हैं और मेरे को इन लोगों ने एक बज रहा है, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, शर्म कर लो। कॉल टाइम आप देते हो मेरे को 8 बजे का, उठा तो 6 बजे था ना मैं, और 12:01 बज गए गाइज। बट हमें कॉल टाइम अच्छा दिखाया करो आप। ये है सबसे 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 ज्यादा ये बुजदिल। आपने मेरे को ढूंढा कुछ भी? गाइज मीट हमारी सिमरन, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। से हाय टू माय ब्लॉग। हाय। बाकी शर्म कर लो यार, आपने सुबह हमें पता क्या, मैं 6 बजे उठाऊँ और यार, ये आदमी कोई काम, ये वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ वही, सिर्फ एक एक सीन के लिए ये मतलब लोगों को बुला रहे सुबह 6-6 बजे, ऐसा मत करा करो यार। ओके सो गाइज, मेरा शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 बजे मेरे को फटफट से निकलना पड़ेगा घर, बिकॉज अभी बहुत कुछ सीन बाकी है। अरे भैया जी कैसे हो, हाय बोलो। हाय। ये भी ये भैया बेचारे हमारे, जहाँ पर हम हाथ धोते हैं और मतलब फ्लश वश करते हैं ना तो पानी आता ना, जहाँ से इनकी वजह से आता है बेचारे इतनी धूप में, वो भी बेचारे पानी भर रहे। ओके अभी फटफट से सामान पैक करता हूँ, देन उसके बाद निकलते हैं। ओके सो गाइज, अभी मैं आया हूँ घर पे एंड आई नो मेरा शूट था, शूट से लेके फिर दूसरा मेरा शूट था एक और अंधेरी साइड पे, बट पहले शूट से अभी डायरेक्ट घर पे आया हूँ, बिकॉज मेरे पापा का मेरे को कॉल आता है। तो मेरे पापा ने बोला कि तू घर आ जा, बिकॉज पुणे से कोई तेरा एक फैन मिलने आया है। तो मैं ऐसा हो गया कि मैंने शिट, पुणे से यहाँ से ऑलमोस्ट मतलब 3-4 घंटे लगते हैं, और मैंने बोला इतनी दूर से। जिस फैन की मैं बात कर रहा था, लुक यहाँ पर हमारे फैन आए हैं, मेरा ही मर्च पहना है, मैं देख रहा हूँ एंड काफी अच्छा लगा। पुणे से आए हो लिटरली? पुणे से मतलब 3 घंटा लगता है, इतना कुछ भी मतलब पुणे से क्या। थैंक यू सो मच। और आपका वो हेयर वाला स्टोरी भी बता दो आंटी। ये मिस्टी इतना पागल है आकाश के लिए कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि शायद ये पूरा अपना बना के स्टोरीज बोल रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आप इवन उसने अपना जो इतने बड़े लेंथ बाल था लास्ट मंथ को उसने कटाया, एंड लिटरली उसके माइंड में था कि आकाश के जैसे। अरे मतलब इनके इतने लंबे बाल थे पिछले मंथ में, ये दिखाओ, इतने लंबे बाल थे और इन्होंने मेरा देख के अपना बाल इतना छोटा कर लिया। वैसे यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, ऐसा कुछ है नहीं। चीज बोलना है मुझे, पहले इसका शॉपिंग में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, जैसे वो तुम्हारा व्लॉग देख रही है तो H&M से उसका शॉपिंग, थैंक यू सो मच। मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप इतने दूर से आए, मैं मतलब मेरे इसके बाद शूट ही था तो मैंने बोला कि भाई यार पहले मिल लेता हूँ फिर उसके बाद शूट करूंगा, बिकॉज ऐसा मौका नहीं आएगा मेरे को कभी कि मतलब मैं अपने फैन से मिल रहा हूँ वो भी इतने दूर से आए।
सो मतलब डेफिनेटली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. मैंने मेरा बेटी का ड्रीम पूरा किया है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं उसका विश पूरा कर पाई. और उसके लाइफ में और कोई ड्रीम नहीं है, एक ही है, आकाश थापा. एंड आज उसका ड्रीम पूरा हुआ है, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझ रही हूँ. एंड आकाश, गॉड ब्लेस यू. सो गाइस, फैन से भी मिल लिया, फैन भी नहीं है, मतलब हमारे पूरे जितने भी आकाशियंस है उसके फैमिली मेंबर. एंड बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कोई भी जो भी मेरे को सपोर्ट करता है. एंड इतना अच्छा लगता है कि यार मिलने आए हो, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक इंसान को जिसको आप जानते भी नहीं हो और उसको आप पसंद करने लग जाते हो, फिर उसके बाद आप उसको सपोर्ट करने लग जाते हो. वो मतलब वो देखता हूँ ना मैं जब अपने आकाशियंस को, तब इतना अच्छा लगता है ना कि यार क्या ही बताऊँ. बट अभी फट से मैं निकल रहा हूँ. ओके सो गाइज, हमने शूट किया विद वन एंड ओनली राजा कुमारी मैम. एंड हाउ यू फीलिंग मैम, हमने शूट किया मतलब इन इंग्लिश ओनली, सो हाउ यू फीलिंग दैट वी शूटेड? आई अंडरस्टैंड हिंदी, सब समझती हूँ. अरे वाह, क्या बात है, नाइस. इट वाज मजा आ गया, मजा आ गया, एकदम खतरनाक था, एकदम खतरनाक. ये क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम. खत्म ही नहीं होता ना सब. ओके सो गाइज, हमारा शूट हो चुका है. ओ तेरी भाई साहब, कौए कौए क्या हो गया? और क्या नाम है भैया आपका? क्या दे रहा है? नहीं नहीं, पकड़ो पकड़ो. सुरेश, थैंक यू सो मच सुरेश भाई. आप जैसा ऑटो वाला मतलब पूरे मुंबई में हो जाए ना, मजा आ जाए. बहुत ही अच्छा काम किया, कोई करता नहीं है वैसे ये चीज़. थैंक यू, थैंक यू, ध्यान रखो. ओके सो गाइज, बेसिकली हुआ ये, मैंने उनको थैंक यू इसलिए बोला बिकॉज वो बंदा लेजिट इतना मतलब बोलते ना प्योर हार्टेड पर्सन था. बिकॉज क्या है कि ना मेरे घर आने से मतलब मैं शूट से घर आ रहा था, तो बीच में ना जंगल पड़ता है तो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है. तो उसमें ना क्या, ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैं आपको घर तक नहीं छोड़ पाऊंगा, जंगल से पहले छोड़ पाऊंगा. तो मैंने बोला क्यों? तो बोलते हैं कि मतलब मेरे साथ दो बार मतलब बोलते ना चोरी चकारी हो गई थी बीच रोड में, मतलब उनको रोक के उनके जितने भी पैसे वो ले ली थी. और ऑब्वियसली मतलब ऑटो वाले इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका मतलब दिन का जो कमाई रहता है वो ऑलमोस्ट मतलब बोलते ना 2-3 हज़ार रहता है. तो वो बंदे ने मेरे को ऐसा बोला कि मतलब एक काम करता हूँ मैं, आपको जब तक ऑटो नहीं मिलता तब तक मैं आपको छोड़ देता हूँ, इतनी बारिश में कैसे जाओगे? मैंने बोला कि कोई नहीं, मेरे को मतलब आप छोड़ दो, मैं बारिश में मतलब ऐसे पैदल चलते हुए चल जाऊँगा. तो ही सेड कि नहीं नहीं, मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा आपको. तो वो बंदा मतलब लाइक रिस्क लेके मतलब दो बार हो चुका है उनके साथ, एक बार भी नहीं, दो बार उनके साथ मतलब चोरी चकारी वाली जो सीन थी वो हो चुका है. एंड ऑब्वियसली अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं भी मतलब यही चीज़ बोलता कि मैं नहीं जा रहा, मतलब मैं नहीं छोड़ पाऊंगा. बट ही वॉज लाइक, ही वॉज सो नाइस. मतलब मेरा जो ऑटो का भाड़ा था वो मतलब 150 कितना हुआ था, तो मैंने उनको मतलब लाइक 200-250 दे दिया था. मतलब ऐसा है ना कि ऐसे लोगों के लिए दिल से करना इज़ लाइक काइंड ऑफ अलग ही फील आता है. ओके सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ एंड बाहर फुल बारिश हो रही है. मैं कब से वेट कर रहा था, जब से मैं मुंबई में आया हूँ ना, कि भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए. बिकॉज ऑब्वियसली मतलब इतनी गर्मी है मुंबई में एंड बर्फ तो पड़ता नहीं है मुंबई में. सो ये जब बारिश आती है तो ही थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है. अभी बारिश आ रही है ना, तो थोड़ा सा ऐसा विंडो से हल्का सा बाहर निकलो ना, तो फिर ऐसा हवा आता है ठंडा ठंडा. बाकी हमारी जो मम्मी है वो खाना बना रही है. क्या बना रही हो मम्मी? खाना है, दाल है और पनीर की सब्जी है और ओवर एक्टिंग. देखो मेरी माँ का ओवर एक्टिंग इज लाइक, सिर्फ नॉर्मली पूछा मैंने कि मम्मी क्या है, दाल है, सब्जी है, ये सब है. एक्टिंग तो करना पड़ेगा ना जब बेटा एक्टिंग करता है. अरे वाह, हाय लियो. ये मम्मी के साथ ही रहता है ज्यादातर. कभी मेरे साथ भी रह लिया कर. और गाइस, इसका ना ऊपर चढ़ने का ट्रिक इतना सही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ. लियो 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 नहीं आया, पर मेरी माँ आ गई खाना लेके. एक तो सबसे ज्यादा एटीट्यूड वाला है, उसको पता है ना कि भाई कैमरा खुल गया तो वो करेगा नहीं कैमरे में, कैमरे ऑफ, कैमरा तो सब कुछ करेगा. जो इसको बोला भी नहीं ना वो भी करेगा. मे बी शायद खाना का स्मेल समझ के आ जाए, वो नहीं आ रहा तो छोड़ो, हम अपना खाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओके सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.